कैसी सिचुएशन में है भाई तू? आज ऐसे करेगा क्या व्लॉग का शुरुआत? हाँ, अबे क्या कहते हैं, पहला मैच तो हम बहुत बुरी तरीके से हारे। हाँ, देखो भाई इसकी पहली बॉल बढ़िया ना ना आशु, हमारे दोनों मैच में हारने का कारण कारण कुछ नहीं है, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हमारी टीम में, एफर्ट्स नहीं डाल रहे तो एक सिंगल बंदे से होगा भी क्या, सिर्फ तेरे से होगा थोड़ी, सब डालेंगे। या आज आज हमारा आशु वो बन रहा था कप्तान, आज ये वाला मैच बहुत गंदा, काफी टाइम हो गया ना, सब्सक्राइबर लोगों का स्वागत भी तो नहीं किया वीडियो में। वही तो, हेलो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। दो में से दो मैच हार गए, अब इसकी बात ना सुन, इसकी बात कोई बात नहीं, सेकंड बार भी चले ये ओवर भाई। अभी तक ना दो मैच है, एक मैच में हमारा टारगेट था 48 का और एक में टारगेट था 30 रन का, लेकिन हम दोनों हार चुके हैं। अब ये फाइनल मैच है तो एक मैच तो जीत के जाना चाहते हैं, और इस मैच की अपडेट तो मैं आपको कंफर्म दूंगा कि क्या हो रहा है इस मैच में, क्योंकि यार बहुत टाइम बाद खेलने आए हैं और मुझे नहीं लगता कि अगर हम हारे तो फिर हम अच्छे तरीके से अच्छे मूड से घर जा पाएंगे। बबल्स भैया खेल रहे हैं और ये बॉल आ गई, ये टप्पा खा गया, कुछ कर देना भैया है। अरे तू देख, अब तू बस अब रिकॉर्ड ही कर सारे छक्के। हाँ देखो एक बॉल दिखाता हूँ आपको, बट ठीक है। ये हमारे बॉलर भंगड़ा बॉलिंग कर रहा, भंगड़ा कर रहा, ये देखिए एक से एक हो रहे हैं भयंकर। क्या रहा है स्टेटस, जो बाहर हार के पागल हो गए अबे तू यहाँ तो मैच आशु, ये आशु बचा हमारा फाइनल, और दो ओवर में चाहिए कितने रन? 75। नहीं नहीं 75 नहीं किए, कितने रन चाहिए दो भाई हमें? हमारे 11। हाँ दो ओवर में 34 रन चाहिए, और ये अकेला सिर्फ ये बाहुबली ये जिताएगा आज, ये काम एक कमीना कर सकता आज ये पता चलेगा कि ये सिर्फ मोई नहीं बनाता, रन भी बनाता है। और सारे मैच की क्लिप काट देंगे, यही वाली रखेंगे आशु वाली। हाँ जो अब जिताएगा आशु ने, हम बोलेंगे हमने तो मार दी आशु, कमर पे आता तूने रख दिया दोनों पे, वो भी देखो कुछ करना भी है फिर। ये देखो इसका भी देख लो भैया ऐसा शॉट। अबे आउट है जाना, अबे क्या ऐसे तो कोई कोई कैसे मार दे आउट होना चाहिए आशु भाई, दे 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 बॉल दे दे। आज के दिन के लिए 2 मिनट साइलेंस। अबे दो अबे कह रहा एक छक्का मारा लुल्ली बॉल पे, और कह रहा दो ओवर में 29 रन बनाए, कह रहा कि भैया आप लोगों ने ठीक नहीं करा। हाँ यार आशु, वो ओवर में तूने छक्के चौके खाए इतने सारे, उसका क्या है? उसका क्या है? मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? तेरे पास गाड़ी भी है? वैसे आशु ने एक छक्का मारा है, ऑल क्रेडिट गोज टू द बॉलर, क्योंकि उसने बहुत बेकार कराई। कोई बात नहीं, आज 3 में से 3 मैच आ रहे हैं, हम इतने गंदे आ रहे हैं ना, हर मैच लग रहा था हम जीत जाएंगे, लेकिन कहाँ पर कमी आई वो आगे के हमारे संवाददाता आशु बताएंगे क्या हुआ। दिक्कत ये भाई, हमारी फील्डिंग भी खत्म रही। हाँ फील्डिंग तो चलो, फील्डिंग में तो मैंने बहुत गंदी फील्डिंग करी, दो कैच छोड़े मैंने। काली आपने नहीं, सभी ने, सभी ने तो करी, लेकिन मैं तो अपना बता सकता हूँ ना यार, अपना बताना मुझे। और बैटिंग में भी हमने लाइट ले लिया, हाँ बस यही हार गया मैच। और 3 में से 3 मैच, ऊपर से इतने टाइम बाद खेलने आने के बाद मेरे को लग रहा है यही दिक्कत हुई यार। लेकिन कहाँ क्या कंपटीशन भी नहीं दे पा रहे हम, कंपटीशन छोड़ो हंस रहा था उसको तो हम कल देख लेंगे हैं। अब वैसे तो हम हर बार बोल के जाते ना कि कल देखेंगे, लेकिन कल हम देखते क्या है फिर हार जाते हैं। ये हमारे आज की विनिंग टीम है, विनिंग टीम। अबे तू का विनिंग टीम में जा रहा साले, रमोला भाई मैच ऑफ द सीरीज बने ना तू, कैसे लगा? नहीं भाई हमारी तरफ से तो यही है, मैंने मारे 3 विकेट भी मैंने लिए। हारे हुए चेहरे कौन थी, कुछ गहरे कुछ बहरे, तो ठीक है। हाँ वो कौन थी? वो मैं, हमारी हार थी वो, जिस वजह से चेहरे मायूस हो रखे ना, हमारी हार तो थी वो। 3 मैचों में से 3 मैच बड़े बेरहमी से हारते हुए, और फिर भी चेहरों पे जो वो खुशी है ना खुशी, स्कूल टाइम पे भी हमारी ऐसी होती थी मालूम, हम हार के भी कोल्ड ड्रिंक और वो खाते थे क्रीम रोल, लेकिन आज नहीं खाएंगे ठीक है, क्योंकि आज मैच पता कहाँ हारे, कहाँ हारे भाई? सजल भैया और मैं ना फ्रेश होके नहीं आया आज। है ना भैया, तुम्हें यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया उन्होंने। अरे नहीं, हमारा बॉडी बहुत भारी भारी हो गई, लेकिन फिर भी तो तुमने अच्छा खेला, देख तूने एक छक्का मारा। अरे छक्के से क्या होता है,
छक्के से क्या होता है भाई, एक बॉल में सीधा 6 रन पड़ते हैं, ये होता है छक्के से। वो मेरे को पता है छक्की, वो छक्का नहीं मारूंगा मैं। हाँ। वो बॉल ऐसे फेंक रहा था जैसे मैं बच्चा हूँ बैंकर। अरे अपना राहुल गांधी वाला टाइम चल रहा, मारा टाइम चल रहा है वो बैंकर। वो ऐसी बॉल डाल रहा था जैसे हमें खेलना ही नहीं आता। अच्छा। देखा नहीं आपने, ये हमारे बगल में विनिंग टीम जा रही। रमोला भाई साहब सीधा पार्टी करना, विनिंग टीम हो तुम। चैनल का नाम सोनी लीव, चैनल का नाम और जीत भी चाहिए साथ में, कल जीतेंगे। तो भाई सुबह की झाम पड़ हार का गम भुलाने के लिए हम जा रहे हैं शाम को एक बेहतरीन जगह पे। बहुत टाइम हो गया हमने अपने देहरादून की शाम एंजॉय न करी, और शाम भी आज शायद हमारे साथ है। हमारी किस्मत सुबह के मैच में हो ना हो, लेकिन शाम का मौसम हमारे साथ है और मौसम हो रखा है बहुत ही बेहतरीन, आला मौसम जिसे बोलते हैं ना, क्योंकि ऊपर पहाड़ों में पड़ रही है बहुत ज़्यादा बर्फ। आज हमारे केदारनाथ के कपाट खुले हैं, तो ऊपर लगभग एक हफ्ते के लिए ना अलर्ट हो चुका है कि भारी बर्फबारी होने वाली है। तो अपने देहरादून का मौसम भी काफ़ी तगड़ा रहने वाला है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाने, मज़ा उठाने हम जा रहे हैं एक बेहतरीन जगह में। और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो इस शोर से बहुत दूर जाऊँगा और किसी अच्छी सी लोकेशन पर चाय पियूँगे, हैं किसी के हफ्ते नहीं लगूँगा, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने फेवरेट स्पॉट में, टी स्पॉट में, और टाइम अभी हो रहा है 6:30। चलो कोई दिक्कत नहीं, धूप तो चली गई, लेकिन बारिश हो रही है ऐसा क्यों? क्योंकि अप्रैल भी एंड होने वाला है, अब मई लगने वाला है, और अभी तक वैसी गर्मी हुई नहीं जैसी इस टाइम पे नॉर्मली हर साल होती है। इस बार ही ऐसा भी लग रहा था कि यार गर्मियाँ जल्दी आ गई, लेकिन जो एक्चुअल में गर्मियाँ हैं ना वो अभी तक हुई नहीं है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं चाय पीने, और देखते हैं वो चाय हमारा जो इवनिंग है वो कितना अच्छा और बेहतर बना पाता है, क्योंकि वही तो अभी हमें चाहिए। ठंड भी हो रही है, पहले हम सोच रहे थे ना कि नॉर्मल चाय पियेंगे, लेमन वाली चाय पियेंगे, लेकिन नहीं, अब हमें दूध वाली बढ़िया तरीके से अदरक कूटा हुआ, इलायची छोकी भी ऐसे कुछ चाय चाहिए। हाँ मतलब मज़ेदार वाली चाय चाहिए, तो वही चाय इंजॉय करने अब ये हम जा रहे हैं, ठीक है। ओ हालत हो गई है बहुत ज़्यादा कुकड़ी, ठंड लगी है भैया। अब ऐसा लग रहा है कि अप्रैल के महीने में भी हमें हुड पहनना चाहिए था, तब जाके कुछ ठीक होता। फसल अंदर गया हुआ है, कह रहा ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। ये देखो हवा भी इतनी तेज़ चल रही है ना, लेकिन ये लोकेशन काफ़ी बढ़िया है यार। आज लोग जो है वो काफ़ी गाड़ी में भी आ रखे हैं, लेकिन हम स्कूटी में ऑलवेज। हेलो, वेलकम टू द न्यू डे, क्योंकि ये अगले डे की मॉर्निंग है। और अभी सीन ऐसा है कि आज फिर से हमने क्रिकेट खेला है, और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आज हमारे बीच एक ऐसे प्लेयर है जो आज का लगभग हर मैच जीते, ये मतलब आज हम दोनों अलग अलग टीम में चले गए थे ना बाद में। पहले हम लगातार 2-3 मैच जीते, तो उन्होंने कहा कि इनकी टीम पक्की हो जाए, अलग अलग करो इन्हें। हाँ फिर अलग अलग करा, तो भी वो सामने वाले आ गए। हाँ तो आज जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आया, जो भी है ओवरऑल इट वॉज अ फन डे, फन मॉर्निंग। और मॉर्निंग तो अब रही नहीं, 8:30 बज चुके हैं, बहुत लेट हो चुकी है, सारे प्लेयर जो है गायब हो चुके हैं। ये हमारी पिच है, आज हमने पिच चेंज करी थी, पहली वाली वो थी, अब वाली ये है। तो पूरा सारा सिनेरियो ऐसा है कि भैया हमारे साथ आज आशु नहीं आया, तो मुझे लगता है उसके ना आने की वजह से हम जो मैच जीते हैं वो बहुत ज़्यादा मजे वाला जीते हैं, ठीक है। तो कल का बदला ले लिया, शाम की चाय भी ली, और आज मॉर्निंग में हम जीत चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल डे, ठीक है। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपसे, काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, अब हम गन्ने का ताज़ा रस पियेंगे, ठीक है। पसीना भी आ गया, मतलब सूरज ज़्यादा ऊपर आ गए, जिससे पहले 12 बज जाए हम घर को हो लेते हैं। और आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए चलो फिर सही है पुडम।